धान्य छेदन मुहूर्त। अब जो है पहले धान्य रोपाई हो गया, बीज बोना हो गया, है ना, अब कटाई का समय आया, तो भी किन मुहूर्त में करना है, मुहूर्त चिंतामणि के आधार पर बोल रहे हैं। तीक्ष्णा जपाद कर वन्य वसु श्रुतिन्दु स्वाति मघोत्तर जलांतक तक्षपुष्य मंदार रिक्त रहित दिवसे अति सस्ता धान्य छिदा निगदिता स्थिर भे विलग्ने। तीक्ष्णा अजपाद कर मने तीक्ष्ण संज्ञा वाले थे मूल ज्येष्ठा आर्द्रा अजपाद देवता क पूर्वा भाद्रपदा कर मने हस्त नक्षत्र वन्नी देवता कृतिका नक्षत्र वसुदेवता धनिष्ठा नक्षत्र श्रुति मने श्रवण नक्षत्र इंदु चंद्र देवता मृगशीर्षा नक्षत्र स्वाति मघा तीनों उत्तरायें और जल मने वरुण देवता पूर्वाषाढ़ा और अंतक यम देवता भरणी तक्ष और तक्ष देवता चित्रा एवं पुष्य इतने नक्षत्र बताए। इन नक्षत्रों में किंतु मंदार रिक्त रहित है, शनिवार और मंगलवार से रहित हो एवं रिक्ता तिथि 4, 9, 14 इन तिथियों से रहित हो, इसे भिन्न तिथियों में और इनसे भिन्न वारों में ये नक्षत्र हो तो, और लग्न क्या होना चाहिए, स्थिर भय लग्न, स्थिर लग्न हो तो खेती का फसल को काटना उचित होता है। तो फसल काट दिया, जैसे धान धान आदि होता है, क्या होता है उसमें, पहले जमाने की आग तो थ्रेसर बोलते, मशीन आ गया है, नहीं तो पहले खलिहान में फैला देते थे और फिर उसको ढेर लगा दिया वहाँ, थोड़ा फैला दिए और फिर उसमें बैल को घुमा देते थे, फिर पंजी होता था पांच, उसे वाल अलग कर देते, धान अलग होता था। वो जो कर्म है उसका बोलते हैं धान्य मर्दन मुहूर्त, धान्य का खलिहान में मर्दन करना, उसके लिए मुहूर्त व्यवहार उच्चय नाम ग्रंथ के आधार पर बोल रहे। फाल्गुण्यौ श्रवणश्चैव मघा मूलंच रोहिणी अनुराधा तथा ज्येष्ठा रेवती धान्य मर्दने केवले सिंह लग्ने वा गुरु शुक्रोदय अथवा। उर्वा फाल्गुणी उतरा फाल्गुणी द्विवचन से प्रकट किया, श्रवणश्चैव श्रवण नक्षत्र, मघा मूल और रोहिणी अनुराधा ज्येष्ठा रेवती इन नक्षत्रों में धान्य मर्दन करना श्रेष्ठ होता है। अथवा केवले सिंह लग्ने वा, केवले सिंह लग्ने वा, केवले का तात्पर्य लिख रहे हैं 2, 7, 9, 12 इन लग्नों में अभी गुरु और शुक्र का उदय हो, अस्त ना हो, तो धान्य का मर्दन करना कल्याण में मलना सर्वश्रेष्ठ होता है। धान्य आरोपण मुहूर्त राज मार्तंड में कहता है, धान स्थापन होगा, धान्य आरोपण और धान स्थापन में अंतर है। धान्य अलग अलग हो गया फिर उसको इकट्ठा कर दिया, फिर उसको ले जाके भंडार घर में ड्रम में, आज की भाषा में ड्रम है ना, ड्रम में डाल दिया, या क्या बोलते हैं उसको, कुशलपाद, कुशलपाद में रख दिया स्टोर करना, ये दोनों अलग चीज़ है। वहीं इकट्ठा करने के लिए धान्य रोपण मुहूर्त कहते हैं, बीज बोने अर्थ में भी लेते हैं, रोपण का रोप बीज बोना, धान जब बीज शुरू में बोलते हैं एक अलग एक क्यारी में बो देते हैं फिर उसको फैला देते हैं पूरे खेती में, वो भी एक रोपणम, और धान्य का एक साथ ढेर लगाना भी रोपणम, दोनों कार्य के लिए के मुहूर्त है। पूर्वा भाद्रपदा मूलम रोहिण्युत्र फाल्गुनी विशाखा वारुणं चयो धान्याम रोपणे वराह। चाहे शुरू में आप धान को भोज देता है, और दूसरा होता है जैसे गेहूं में ऐसा नहीं होता ना, गेहूं में फेंकते जाते हैं फिर मिला देते हैं, हो गई मिट्टी थोड़ा ऊपर से कर दिया, ये धान में विशेष होता है, पहले अन्यत्र रोपा जाएगा फिर उसको डालते हैं। कई अन्य सब्जियों में होता है टमाटर वगैरह भी पहले डाल देते हैं, छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं पौधों को फैला के लगा देते हैं। तो जो भी बीजारोपण है उन सकल को ले रहे हैं,
राजमार्तंड नामक ग्रंथ के आधार पर। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र मूल नक्षत्र रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी विशाखा और वरुण देवता जिसका ऐसा जो विशा नक्षत्र, इन नक्षत्र धान्य बीज को बोना श्रेष्ठ है। चलो बोने को या ले रहे हिंदी वाले, इन दोनों अर्थ लेते हैं क्योंकि अगला आ रहा है स्पष्ट ही धान्य स्थापन मुहूर्त। बस तो रोपण के बाद पहले आना, पहले जो क्या हुआ ना चाहिए उपती, जो पहले जब गए हैं धान के विषय में, फिर छेदन सब खेती छेदन होने के बाद फिर रोपण क्या हुआ वो तो अगले वर्ष होगा। अभी नहीं, धान्य कटने के बाद में गेहूँ आता है और गेहूँ में रोपण होगा ही नहीं, धान रोपण फिर अगले साल का ही मामला है। दीपिका ज्योतिष दीपिका नाम ग्रंथ से बोल रहे हैं धान के स्थापन मुहूर्त, कोठार में भंडार में है कि नहीं, घर के भीतर के बाहर कुशलपाद में सुरक्षित करना। याम्याग्नि रुद्र विशाख पूर्वा महेंद्र पितृतर भई शुभा है धान्यादि संस्थापन भेषु शस्तम मृगस्त्रद्यंग गृहोदरेशु उदयेशु, ऐसे पाठ है उदयेशु, लेकिन होना चाहिए उदरेशु, यकार रकार पाठ होना ज़्यादा उचित है, यकार पाठ भेद है लेकिन रकार का पाठ ही उचित है। गृह के उदर में मैंने घर के भीतर में रखना। यम देवता भरणी नक्षत्र, अग्नि देवता कृतिका नक्षत्र, रुद्र देवता का आर्द्रा नक्षत्र ही के लपे पीछे प्रयोग कर दिया छंद को पूर्ति करने के लिए, विशाखा नक्षत्र और विशाखा और पूर्वा तीनों पूर्वा नक्षत्र लेना और बीच में आश्लेषा लिख दिया पता नहीं किस आधार पर ले ले। फिर महेंद्र, महेंद्र देवता ज्येष्ठा और पितृदेवता का मघा, इन नक्षत्रों को छोड़ करके अन्य नक्षत्रों में ही साथ साथ शुभा है, शुभ वारों में अशुभ वार न हो, शुभ वार के दिन हो। और मृग स्थिर जंग ग्रहो दरेशो, मकर लग्न इन स्थिर लग्न, इन द्विस्वभाव लग्न, इन लग्नों में ही गृहोदर में घर के भीतर बना कोठार है जो भंडार है उसके भीतर में अन्न को भरना चाहिए। धान्यादि की स्थापन के लिए श्रेष्ठ नक्षत्र है, उपदिष्ट नक्षत्र है। अब धान्य सुरक्षित कर दिया और नया अन्न पुराना अन्न खत्म हो गया खाने पीने के लिए, रोज बनाते रहते ना धान्य कूटना, चावल निकालना, चावल पकाना खाना, और खत्म हो गया पुराना, नवान आरंभ करना है। एक नवानेष्टि यज्ञ होता है, नवानेष्टि नाम का याग कर्म कांड, वही नवान भक्षण के मुहूर्त बता रहे। हस्त चित्रानुराधान्त्ये रोहिणी श्रवण द्वये मृगाश्वी त्रुत्तरास्वर्के शुभे वारे तिथावपि नवान्नस्य विधानंच प्राशनं फलमूलयो विनानन्दां विषघटीं मधुपौषार्कि भूमिजान। हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, अनुराधा, अंत में रेवती, इनके अलावा रोहिणी नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र आदि द्वय, श्रवण नक्षत्र के अगला कौन है धनिष्ठा नक्षत्र, मृग में मृगशिरा, अश्विनी, उत्तरासु, उत्तरा मैंने तीनों उत्तरा नक्षत्र, तीनों उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपदा, तीनों उत्तरा सु, इन नक्षत्रों में अर्के शुभे वारे, शुभ वार सहित अर्कवार भी ले लेना, रविवार सहित अन्य शुभ वार, रविवार को अशुभ में लिया गया था ना तीन अशुभ में, इन्हें कहते रविवार सहित शुभ वार में हो और शुभ तिथियों में रिक्त तिथि को छोड़ के। नवान्न से विधानंच, नवान का जो है विधि किया गया है, प्राशनम फलमूलयो, इस प्रकार नवान्न का भक्षण करना चाहिए, मूल कंद फल इन वस्तुओं के भी खाने में यही मुहूर्त शुभ मुहूर्त है। परंतु क्या कहते हैं ये विना नंदाम, केवल रिक्त अशुभ तिथि नहीं है, इस कार्य के लिए नंदा तिथि भी अशुभ ही मान लिया गया, इसे नंदा तिथि को छोड़ के कर दिया। नंदा तिथि मैंने 1, 6, 11, रिक्त है 4, 9, 14, ये 6 दिन छोड़ के बाकी तिथियों में। एवं और त्यागने के कौन है विषघटी, विषघटी जो चौघड़िया में देखते हैं विषघटी, एक घटी होता है अमृत घटी, उसे विषघटी में नहीं करना है, शुभान
नवा न खाना न पीना नहीं है। और मासों में चैत्र मास, पौष मास, माघ मास, ये तीन ले रहे हैं। मधु पौष अर्क की भूमि जान दो ही में, मधु और पौष, मधुमय चैत्र मास और पौष मास, दो हो गया मास। और अंत में वार दो ले लिया, अर्की मने सूर्य का बेटा मने शनि, अर्की कहते शनिवार को और मंगलवार को, भूमिज भौम मंगलवार के दो वार को भी छोड़ देना। इन वारों को छोड़ करके नए अन्न को खाना शुभ माना गया है। एक और श्लोक तो दिया नहीं उन्होंने, सीधे ही चक्र बनाकर दिखा दिया, अधोला चक्रम, खेत में का अनाज को उखाड़ने का मुहूर्त है। क्योंकि अब क्या, अपने धान काट दिया, निकाल लिया, अब दूसरी खेती करने तो करना क्या पड़ेगा, जो नीचे नीचे थोड़ी आपने काटा था, ऊपर ऊपर काटा है, पौधे कुछ खड़े हैं ना, और कुछ पौधे फसल दिए ही नहीं, छोटे छोटे रह गए, वो भी बेकार है, वो सबको उखाड़ना पड़ेगा, तब फिर जोताई होगी, फिर नया खेती होगा, या जोतते ही उखाड़ देते हैं तो निकाल देते हैं, ऐसे भी करते हैं। उसको करने के लिए कार्य, खेत में जो लगा हुआ जो अनाज है उसे उखाड़ने का मुहूर्त है। पहले वार बता दिया, वार चक्रम, रविवार चंद्रवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, चौघड़िया के अनुसार जो योग है वो चौथा सातवां दूसरी पांचवीं आठवीं तीसरी छठी क्रमशः वार के अनुसार लेना है चौघड़ी में। और कितने बजे लगभग बैठेगा वो समय बता दिया, 10:30 बजे, 3 बजे, 7:30 बजे, 12 बजे, 4:30 बजे, 9 बजे और 1:30 बजे, रविवार को 10:30 बजे शुरू। ऐसे कितने बजे तक करनी है, उतर जाए कब, 12 बजे तक, मैंने 10:30 से 12 में शुरू कर देना पड़ेगा आपको उखाड़ना, 3 से 4.5, 7:30 से 9, 12 से 1.5, 4:30 से 6, 9 से 10.5 और 1:30 से 3, वार के हिसाब से ये तय करके ही वह कार्य आरंभ कर देना चाहिए। अब कहते हैं रसोई घर होता है, पहले जमाने में ईंट और मिट्टी से, पत्थर और मिट्टी से वो बनाते थे चूल्हा, है कि नहीं, चूल्हे जो होते थे, और तो रोज उसको क्या बोलते हैं, चोखा लगाना बोलते हैं, इसका नाम चोखा लगाना बोलते हैं। उसके मुहूर्त तो चुल्ली मुहूर्त चक्र, लेकिन लगाते लगाते भी कितने दिन तक लगाते रहेंगे वो आग, कहीं कई बार बड़ा काम हो रहा है घर में, आग ज़्यादा हो जाता है तो फट जाते हैं, दोबारा बनाना पड़ता है। तो नया जो चूल्हा बनाते हैं उसके मुहूर्त बता रहे, चूल्ही मुहूर्त चक्रम, चूल्ही या चुल्ली दोनों है, पंच चुल्ली का बोलते हैं ना मनुस्मृति का, सूर्य भादंग वेदाष्ट राम शत्रु शुभाशुभम चुल्ही चक्रे क्रमाज्ञेयम शुभाशुभ विचक्षणम। सूर्य के नक्षत्र से आरंभ करके 6, 4, 8, 3, 6 नक्षत्रों को लेना, सूर्य के नक्षत्र से 6 नक्षत्र पहला लिखिए, वो शुभ होता है, क्योंकि सूर्य बाद अंग, अंग का अर्थ हो गया 6 संख्या, वेद के अंग कितने होते हैं, षडंग है ना, इसलिए अंग मने 6, वेद मने 4, अष्ट मने 8, वो तो 8 ही है, राम मने 3, पहले भी आया कई बार राम, अरे परशुराम है एक, है ना, एक राजा राम है, एक बलराम जी हैं, 3 राम, इसलिए राम से 3 अंक लिया जाता हमेशा। और शत्रु, आपके शत्रु कितने होते हैं, षट रिपु 6, है ना, वेदांत में भी आते हैं षट रिपु 6 हैं, कौन से होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यम, ये 6 होता है, इसलिए शत्रु से भी 6 अंक ले लेना क्रम से, पहले को शुभ लिखो, दूसरे को शुभ, फिर शुभ, फिर अशुभ, फिर शुभ, ऐसे करके लिखना है, बोले 5 है ना ये, इसलिए पहला 6, फिर ले रहे 4, फिर 8, फिर 3, फिर 6, कितना हो जाए, 6, 4, 10, 18 और 3, 21 और 6, 27 नक्षत्र पूरे हो जाते हैं सूर्य के नक्षत्र आरंभ करके 27। इस प्रकार से क्रम कीजिए, चित्र में बता दिया उन्होंने 6, 4, 8, 3, 6 में पहला का 6 शुभ है, उसके बाद के 4 अशुभ है, तदनंतर 8 शुभ है, उसके बाद के 3 अशुभ है, अंत 6 शुभ होते हैं। ज्योतिष मार्दंड के आधार पर बात
कही गई है। चुल्ली स्थापन फल विचारा, उसकी स्थापन का बनाना, बनाने के बाद थोड़ी तुरंत उस स्थापना होगी, तुरंत नहीं कर सकते ना, वो सूखने देना है आपने। सूखने के बाद फिर भी एक बार और लीप देते हैं, दो तीन बार लीप की बिल्कुल तैयार कर देते हैं, उसके बाद उसको स्थापना करना पड़ता है। इन्हें गया अग्नि जाला गया, फिर रोटी चालू कर दिया, फिर उसमें पहले खीर पकाते हैं अधिकतर, और उसमें से खीर का भोग उसमें लगा दें, उसके बाद ही उस अग्नि में अन्य भोजन पकाने लग माना जाता है। वो मुहूर्त बता रहे चुल्ली स्थापन फल विचार, शनिवारे दरिद्रतम शुक्रे अन्न धनमे वच, गुरुवारे लवे लक्ष्मी बुधे लाभो भवे सदा, भौमवारे मृति पत्न्या सोमे धनक्षेम भवे, रविवारे भवे रोगस चुल्ली स्थापन कर्मणि। वारानुसार ने बोल दिया किस वार में स्थापना करोगे तो क्या फल मिलेगा, तदनुसार शुभ वारों में ही आप इनकी स्थापना करें ताकि जो शुभ फल मिलेगा। शनिवार के दिन करने से दरिद्र हो जाएगा वो घर, शुक्रवार में अन्न और धान्य की वृद्धि होगी, अन्न और धन की वृद्धि होगी, गुरुवार में सर्व प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, बुधवार में सामान्य लाभ होगा, मंगलवार में पत्नी की मृत्यु, सोमवार में धन का क्षय, रविवार में रोगा भवेत रोग हो जाएगा। स्थूल स्थापन कर्म में वार विषय के विचार ग्रहण कर लेना चाहिए। हाँ गैस लाओ, कुछ भी लाओ, उसमें भी करना पड़ेगा मुहूर्त देखकर। हाँ गैस लाओ चाहे कंडक्शन हीटर लाओ, नहीं या कॉयल वाला हीटर लाओ, कोई भी चूल्हा तो चूल्हा, रोटी बनाने भोजन बनाने के लाए हो तो उसके तो नियम यही है, इसी मुहूर्त में शुरू करना उचित होता है। कोलू चक्रम, उसके बाद आता है जिन्होंने गन्ना बोया है और गन्ने का रस निकालना है, गुड़ बनाएंगे, गुड़ को भेज देंगे, वो चीनी बनेगा या गुड़ को जाकर तो गन्ने ही बेच देते, कंपनी में बेच देते जाकर। वो जो चूल्हू है जिससे गन्ने का रस निकाला जाता है उसके बारे में बता रहे हैं। कोल्लू चक्रम, सूर्यवाद पंच पंचेशु राम युग्म शरत्रिकम न सत् शुभम असत् दुःखम क्लेशम शुभम अतो अशुभम, कोल्लू चक्रे साभिजिते जेयम एवं विचक्षण। अभी तक 27 लेके नक्षत्र ले रहे थे, अब यहाँ कर अभिजीत सहित 28 नक्षत्रों को गिनना है आपने। सूर्य का नक्षत्र से शुरू करेंगे, पहला 5 नक्षत्र लीजिएगा, पंच फिर पंच फिर इशु फिर 5, बाण भी होते 5, काम के बाण 5 होते हैं, 5 5 5, फिर आ गया राम 3, युग्म माने 2, फिर शरा ये भी 5, फिर त्रिको 3, 5 15 उधर 5 20 बीच 5 25 और 3 28 पूरे हो गए। क्रम से फल बता रहे, पाला वाला 5 क्या है, न सत माने असत अशुभ है वो, दूसरा वाला 5 शुभम, तीसरा वाला 5 असत माने अशुभ है, उसके बाद है 3 राम शब्द से वो 3 फिर दुखम माने अशुभ है, उसके बाद का 2 2 में क्लेश अतः ये भी अशुभ है, उसके बाद 5 वो शुभ है अतएव वो 5 शुभ हो जाएंगे, और अंत में त्रिकम वो पुनः अशुभम। इति क्रम से ग्रहण करना। कोल्लु चक्रे साभिजित 28 इसलिए जेयम एवं विचक्षण। गन्ने के रस या शेरड़ी का रस बोलते हैं, शेरड़ी भी बोलते हैं उसको, हाँ नीचे दिया है देखो अष्टक में शेरड़ी, गन्ने को शेरड़ी नाम गुजराती बोलते हैं शेरड़ी। इक्षु यंत्र मुहूर्त चक्र, अब मान लो आप चूलो कोल्लू नहीं लगाएंगे, मशीन ही लगाना चाहते फैक्ट्री लंबा चौड़ा, तो उस यंत्र लगाना है उसके लिए मुहूर्त अलग बता रहे हैं। ज्योतिष मारदंड के अनुसार वेद द्विनेत्र भू भूत बाण हस्तरस क्रमात् प्रथमे च भवे लक्ष्मी द्वितीये हानिरेव च तृतीये सर्वलाभश्च चतुर्थे च क्षयस्तथा पंचमे च भवे मृत्यु षष्ठस्थाने शुभं स्मृतम सप्तमे चैव पीड़ा स्याद अष्टमे धनधान्यकम सूर्यपाद गण ये चांद्र
इच्छु यंत्रेण योजये। सूर्य बात गणये चांद्रम, सूर्य के नक्षत्र से चंद्र के नक्षत्र पर्यंत गिनते हुए जाइए और क्रमशः लिखते जाइए। इक्षु यंत्रेण योजयेत, इक्षु यंत्र के साथ इसके संयोजन कीजिएगा। क्रम भी बता दिया, ऊपर नंबर ने स्वयं लिख दिया है। वेद मने चार, द्वि मने दो, नेत्र मने दो, भू मने पृथ्वी मने एक, भूत मने पंचमाभूत पांच, बाणे पांच, हस्त मने हाथ दो, और रस मने षड रस होते हैं चार। पता नहीं इस श्लोक में कैसे अंक दे दिया इन्होंने, अरे सब में दे दिए होते झंझट कम था, यहाँ तो छाप दिए हैं। तो कितने हो गए, चार, दो और दो चार, आठ, आठ और एक नौ, पाँच चौदह, पाँच उन्नीस, उन्नीस और दो इक्कीस और छः सत्ताईस नक्षत्र हो गए। कुल मिला के कितने विभाग हुआ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ विभाग हो गया। सूर्य नक्षत्र पहले चार नक्षत्र कैसे होते हैं, प्रथमे च भवेत लक्ष्मी, प्रथम उन चार नक्षत्रों में यदि आपका इस इक्षु यंत्र को आरंभ करोगे तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। द्वितीय, द्वितीय में क्या उसके बाद के दो नक्षत्र हानिर्य वच, तृतीय में उसके बाद का दो नक्षत्र है उसमें सर्वलाभश्च, तदनंतर एक नक्षत्र है चतुर्थे च क्षय तथा क्षय होगा, पांचवे में पांच नक्षत्र लिया भूत नाम से उन पांच नक्षत्रों में भयन मृत्यु, छठे में आया हुआ है फिर पांच नक्षत्र शुभम स्मृतम, सातवें में दो नक्षत्र गिना वह पीड़ा स्यात, अंत वाले में छह नक्षत्र आते हैं उनमें धन धान्यकम धन धान्य को वृद्धि कराने वाला होगा। इस प्रकार से इक्षु यंत्र के द्वारा इसको समझ करके इक्षु यंत्र की स्थापना तो कोलम में भी इसको लगाया जा सकता, कोई दिक्कत नहीं, उस क्रम से लो या उस क्रम से लो, और कोई ये दोनों यंत्र ही है। या नीचे दिया अगले प्रश्न में दिया भी चित्र, इसीलिए सूर्यभात इक्षु यंत्र चक्रम चार दो दो एक पाँच पाँच दो छः न लक्ष्मी हानि सर्वलाभ क्षय मृत्यु शुभ पीड़ा धन और धन लाभ भी दिखा दिया। ऊपर के अनुसार इक्षु यंत्र का विचार करके शेरड़ी गन्ने का रस निकालना शुभ, तो दोनों ही बात गन्ने के रस के लिए। अब मान लो सरसों आदि बोया है आदमी, तिल बोया है आदमी, उसे तेल निकालना चाहते हैं, सरसों का तेल, तिल का तेल नहीं, वो तेल निकालने के यंत्र उसे कहते हैं घानी, घानी का तेल बता कहाँ, घानी का सरसों तेल डिब्बे में लिखा रहता है पैक, घानी का सरसों तेल। वो घानी के बारे विचार बता रहे, देखिए तैल के यंत्र मैंने ऑयल मिल आगे लिख दिया घानी, इसका मुहूर्त ज्योतिष मार्तंड के अनुसार अथवा मुहूर्त मार्तंड के ज्योतिष भास्कर के अनुसार और मुहूर्त मार्तंड के अनुसार कहा गया है, आद्यांत्य पाणि द्वय मैत्र युग में सवा सवादित्य भैषण सियात सदन्नी रिक्ता शुभ योग मुक्त तत्सिद्धये तैलिक यंत्र कर्म। रिक्ता अशुभ योग युक्ते मुक्ते, रिक्ता को तिथियों को छोड़िए और जो अशुभ योग है उनको भी छोड़िए, रिक्ता अशुभ योग मुक्ते, सधन्य शुभवार हो। और नक्षत्रों में क्या क्या होना चाहिए शुभ ग्रहों के वारों के साथ, कहते आद्य, आद्य मने अश्विनी नक्षत्र, अंत्य मने रेवती नक्षत्र, पाणी मने हस्त नक्षत्र, और पाणी द्वयम हस्त के साथ चित्रा भी ले लेना, इसीलिए मैत्र मित्र देवता अनुराधा आदि युग में अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र, और बीच में ने पुनर्वसुर धनिष्ठा को भी जोड़ लिया, अच्छा आगे है ना वासव आदित्य भा वसु देवता और अजित देवता को भी लेना है, इसे ने पुनर्वसु और धनिष्ठा को जोड़ दिया। इन नक्षत्रों में हो अशुभ योगों को छोड़ के, रिक्ता तिथि को छोड़ करके अन्य जो शुभ वारों में तिल के निकालने की मशीन मैंने घानी है इसको लगाया जा सकता है, बैठाना आरंभ करना शुभ होता है। श्रृंगांतस्तल कर्ण दार युग संभारेश भास्वद सप्ताग्निद्व्यग्नि वह्नि सायकमितास् तारान्यसेयुः।
क्रमात् संपच्छोकवियद् धन ध्यर्ज्य सुखता यच्छन्ति तास्तैलिके यन्द्रियन्यत्र रसक्रिये अपि शुभवे लग्ने ससत्कंटके। तैलिक यंत्र के बारे में, तैलिक के ये छंद, ये फल मिलता है। सूर्य के महानक्षत्र से दिन के नक्षत्र तक गिनते हुए पालक इल्ला कितना है ना, श्रृंग में 7 नक्षत्र के तैलिक यंत्र का जो चित्र बनता है ना, घानी का चित्र, घानी का चित्र ऊपरी भाग सिर यंत्र बना लो, सिर में कितने नक्षत्र लिखना, 7, श्रृंग 7, उसके बाद अंतस, अंतम ने उसके भीतर और मध्य, भीतर में 3 नक्षत्र, मध्य में 2 नक्षत्र, सप्त अग्नि द्वी द्वी, उसके आगे कह दिया 7, 7 3 2 7, फिर वन्नी मैंने 3, वो कारक नहीं है, श्रृंग अंत अंत तल नीचे के भाग में 7, फिर कर्ण, कर्ण मैंने कान में 3, और दारुयुग में, दारुयुग संभारेशु, दार संभार में क्या लगनी, सायक मने 5 बाण, बाण सायक मने बाण, बाण का है कितनी संख्या, 5, 7 3 2 7 3 5 कितने हो गए, 7 3 10, 10 2 12 7 19, 19 3 21, 21 और 5 26 हो गया। तारा ने से युक्रमा, नक्षत्रों को इस प्रकार से क्रम से रखना, उनका फल भी क्या क्रम क्रम से, पहला जो 7 अपने दिया उसमें संपत्ति, दूसरे का शोक, तीसरे में विपत्त, चौथे में धन, पांचवे में रिद्धि, सातवें में सुख, समझना चाहिए। लेकिन ये यच्छन्ति तास्तैलिके यंत्रे अन्यत्र रसक्रिये अपि शुभवे, और शुभ ग्रह हो और शुभ वार हो, लग्न में भी शुभ ग्रह हो और राशि शुभ हो तो स्वजन्म राशि के अनुरूप राशि भी हो तो शुभ माना जाता है, उसी में इसको करना चाहिए। लग्ने ससत्कंटके कह दिया, ससत्कंटके माने वह शुभ कंटक है, शुभ लग्न है, समझो कंटक से लग्न, शुभ लग्न है, अत्यंत शुभ लग्नों में करना है, शुभ वार में करना है, पूर्वोक्त शुभ नक्षत्रों में करना है, तब उसको रस निचोड़ने की जो क्रिया है मशीन को चालू करना है आपने। अब आता है उसके बाद जुलाई का नंबर, वस्त्र का निर्माण करना है कि नहीं, जुलाई का मशीन है, अब आजकल सिलाई का मशीन भी जोड़ लेना है इसमें, उसको किस दिन शुरू करने हैं, वस्त्र निर्माण यंत्र मुहूर्त, रोहिणी रेवती चित्रा अनुराधा मृगभोत्तरा शनि हित्ता विद्या तंतु भी पट साधनम। रोहिणी रेवती चित्रा अनुराधा मृगशिरा और तीनों उत्तरा नक्षत्रों, इन नक्षत्रों में हित्ता शनि शनिवार को छोड़ के छोड़ करो, बाकी वारों में कपड़े की जो है मिल्क आरंभ करना है, उसे तंतुओं को चढ़ाइए, तंतुओं को गोला होता है ना, धागे को गोला चढ़ाना पड़ता है, ऊपर 3-4 इधर 3-4 उधर डालते हैं, साइड में भी कई जगह होता है, और उनको चलाना शुरू करना है, तो पट बनना आ जाए, पट का साधना तंतु ही बार अब विविध मुहूर्तों के पीछे पता नहीं क्यों इसको लाए हैं, सर्पदंश विचार रहे हैं, सांप के डसने का, ये विविध मुहूर्तों से इसे क्या मतलब है? आगे से पता रहे राज्याभिषेक है, देव प्रतिष्ठा आदि विविध मुहूर्त ठीक आ रहे हैं, बीच में मरने की बात कर सांप के डसने से, यदि इन नक्षत्रों में डसेंगे मृत्यु निश्चित है, इसे भिन्न नक्षत्र में डसें तो बचाने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा और बच जाएगा, नहीं होता है जहर मोहरा, सुना हमने पत्थर, जहर मोहरा पत्थर होता है, ये समुद्र में होने वाले विशेष मछली मेढक होता है, मेढक टैडपोल, बड़ा मेढक इतने बड़े होते हैं, उसको पकड़ो उल्टा करो और नीचे से थोड़ा आग लगा, जैसे गर्म होने लगता है दो काम करता है, पेशाब करता है,
आज दूसरे को जो पत्थर अंदर होता है ना उसका, वो फेंक देते हैं। लेकिन आग में गिर गया तो बेकार हो गया, जहां जिनको गिरने वाला फट से उसको हटाओ, जिनको गिरना चाहिए। और जामुनिया रंग लगभग लगभग हल्का जामुनिया रंग का पत्थर होता है। भगवान ने हरेक जानवरों के अंदर है, जानवर क्या मनुष्यों में भी है, एक अंदर में एक ने एक अंदर झिल्ली बनाए रखी। पत्थर नहीं होता मनुष्य में, झिल्ली जैसा होता। जो हम खाते हैं इसमें खाने पीने वाले हर एक पदार्थ कुछ न कुछ अंश में जहर है, उस जहर को नष्ट करने का काम वो झिल्ली करती है। मनुष्य शरीर में भी है, अरे हर शरीर के अंदर, और कुछ में उन्होंने पत्थरी बना दिया, उसमें जो है पत्थर होता है, सांप में भी पत्थर होता है, सांप में भी पत्थर होता है, गौ में कुछ प्रजातियों में भी पत्थर होता है, सफेद गोल गोल आकार जैसे दिखती है ये गौ में पत्थर अलग, जो राव के लिए पहनते हैं वो अलग चॉकलेटी रंग होता है, वो नहीं सफेद अपने पास है कहीं पड़ा है, बड़ा मुश्किल से खोज कर पता लगा देगा, मैंने निकालो कहीं से मिला तुझे, जहर मोहरा भी लाया, गोमेद भी लाया, जहर मोहरा का टुकड़े हो गए गिर करके, एक टुकड़ा आनंद चेतन करके थे नेपाली बाबा हमारे, तो उनको दे दिया, एक बाबा जी के पास है पैसा करते ना सब जड़ते सब लोग वहाँ ले जाते, और एक पिन मारना है हल्का से बूंद खोना है नहीं, उस पर रखिए पट्टी बांध 40 मिनट के जैसा भी जल उतर गया, पत्थर में सारा जल चला जाता है, कहाँ कमाल है देखो सृष्टि का। और उस पत्थर से जल कैसे निकालना, कब तक भरेगा पत्थर में जहर, एक आदमी दो आदमी तीन आदमी 5-4 मिनट तक अधिक से अधिक लेता है, उसके बाद उसको दूध में डालिए तो सारा जहर दूध में छोड़ देता है, दूध जो पिएगा वो पहुँच जाएगा, दूध को ले जाके तो नाली वाले में डाल दो, कोई ना पिए तो दो बाल्टी पड़े डाल तो कुत्ते चाट देंगे, इधर से उसकी भी शुद्धिकरण ये प्रक्रिया है। अब अपने पास ये सब नहीं रखा हमने, शौक था उसे मैं पढ़ता तो समझता था ये होना चाहिए, हमने लगे कहो जो आखिर का बांधते हैं वो धीरे आखिर यार उठो वो बांधते थे तुम लोग करो काम, नाम हो गया नाम के बाद आश्चर्य लगाने की 5 मिनट के अंदर चटपटा होगा मुझे सो जाएगा। इसलिए सर्वदंश विचार बता रहे इन मुहूर्तों में यदि सर्वदंश मार दे तो जहर मोहरा भी नहीं बचाएगा, शिवजी भी नहीं बचा सकते, गरुड़ भगवान आ जाए वो भी नहीं बचा, यह कृत्य का मूल मघा विशाखा सार्पांतकार्द्रासु भुजंगदष्टः स वैनतेर सुरक्षितोपि प्रयाति मृत्योर्वदनं मनुष्यः। वैनतेन सुरक्षितोपि गरुड़ के द्वारा सुरक्षित कर दिया जाए तो भी वह मनुष्य मृत्यु के मुख में चला जाएगा। अब यह मनुष्य भुजंग दष्ट इन नक्षत्रों के योग में भुजंग मर सर्प के द्वारा दंशित हो। कृतिका मूल मघा विशाखा, कृतिका मूल मघा विशाखा सर्प ने आश्लेषा अंत पर यमे देवता को भरणी और आर्द्रा इन नक्षत्रों में सर्प दान देवे तो गरुड़ भी रक्षा नहीं कर सकता, कभी वो मृत्यु में अवश्य चला जाए। राज्याभिषेक मुहूर्त बता रहे देखिए प्रासंगिक बता दिए सर्वदंश विचार, यदि भी कोई ऐसा प्रसंग था नहीं विविध मुहूर्त में उसको भी एक मुहूर्त मान लिया, सर्प का दंशना भी एक मुहूर्त है, और वो ऐसा मुहूर्त हम गिना जो अच्छा नहीं बताए जो पूरे बता दिए, इस मुहूर्त में जाना ही निश्चित है, वैसे भिन्न मुहूर्त में नहीं जाए तो आश्वासन तो रहता नहीं, भिन्न मुहूर्त में जा रहे भिन्न नक्षत्र में दशा है, फिर कहते रहता हाँ हम जिंदे रहेंगे मरेंगे नहीं, विश्वास मिलता। राज्याभिषेक मूर्ति के बारे में कहते जन्मांगक्षदशेष सत्ग्रह कुजैः सार्कैर्बलिष्ठैर्मृदु
क्षिप्र इंद्र ध्रुव भई सिरति नृतनौ व्याराहनि भूपस्थिति। मंगलवार को छोड़ के आराहनी को छोड़ के भूपस्थिति राज्याभिषेक करनी चाहिए। तब जन्मांग जन्म के लग्न का और जन्म के राशि का जन्मर्क्ष जन्मांगर्क्ष दशेश जन्म के लग्न का जन्म के राशि का और वर्तमान दिशा के स्वामी का सदग्रह कुजई ही शुभ ग्रह मंगल और सूर्य सार्क ही और सूर्य के ये सब जब कैसे होनी चाहिए बलिष्ठ ही बलवान होनी चाहिए सब ग्रह कमजोर ना हो। और नक्षत्र कौन से लेने हैं मृदु क्षिप्र संयक इंद्र देवता ज्येष्ठा ध्रुव नक्षत्र संयक नक्षत्र ये नक्षत्र विराजमान हो तथा स्थिरर्थि नृतनौ नृतनौ मैंने लग्न में जन्म राशि तथा जन्म लग्न से उपचय होना चाहिए मैंने 3, 6, 10, 11 वाले में स्थिर पुरुष लग्न होनी चाहिए स्थिर लग्न या पुरुष लग्न ही होना चाहिए अर्थात 3, 6, 10, 11 मिथुन लग्न हो कन्या लग्न हो मकर लग्न हो अथवा कुंभ लग्न इन लग्न में ही उनका कुंभ जो है पट्टाभिषेक होना चाहिए राज्याभिषेक होना चाहिए। इन वार कौन से छोड़ने हैं व्याराहनी मंगलवार ना हो आरकते मंगल को अन्य मंगलवार ये मैंने विगत मंगलवार मैंने मंगल रहित भूपस्थिति ही तब राज्याभिषेक पट्टाभिषेक आदि करना चाहिए। लेकिन यह मूर्त विचार कि आकस्मिक राजा का मर जाने पर दूसरे को राजा बनाना पड़े तो देर नहीं लगा सकते यदि इसी बीच में सारे गड़बड़ हो सकता है ना कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं लोग राजा के अभाव में पूरे राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा में पहुंच जाए इसलिए राजा को होना अनिवार्य। भागवत कथा में आता है एक राजा को ब्राह्मण ने अभिशाप से मार डाला मार डाल के बैठ गए जल हो गए दुष्ट राजा खत्म हो गए। फिर बाद में क्या हुआ घर घर में चोरी डकैती सब होने लगी किसी को डर ही नहीं हुई कोई दंड देने वाला है ही नहीं। तब उन्होंने उस मृत शरीर के ही जो है भुजाओं को मंथन किया। बाहु कहाँ से नक्षत्र कहाँ से पैदा होता है बाहु से राजा भी देवांश होने से उसे बाहु पर चिंतन किया ध्यान किए उससे जो दिव्य संतान निकला उसको ब्रह्म राजा बना ऐसे भागवत में कहता उसे स्पष्ट राजा के अभाव में देर नहीं लगाना चाहिए था शीघ्र दूसरे राज्य में बैठा इसलिए आजकल क्या होता है आपके राज्यों में राज्य सरकार गिर गया तो क्या करें अगले चुनाव तक राष्ट्रपति शासन कहा जाता है राष्ट्रपति सीधा उसके मालिक हो जाता है मैंने कोई ना कोई राजा है मुख्यमंत्री नहीं देखता राष्ट्रपति देखते अपने बंदों के द्वारा नहीं राज्यपाल राज्यपाल भी ना हो तो क्या करेंगे सीधा राष्ट्रपति और कौन करेगा वो अपना सचिव को भेज देगा भाई देखो वहां पर क्या वो सचिव बैठे काम करेगा ये होता इसे मृत्यु राज्य ने काल से नियमोत्र विधि यते दीपाभिषेक कर्तव्य देवज्ञेन पुरोधसा। राजा की मृत्यु हुई हो तो अब ये सब काल का जो नियम बताया मुहूर्त तो मंगलवार नहीं होना चाहिए अरे क्यों मंगलवार के दिन भी कर दो क्या करो सोमवार के दिन मर के राजा शाम तो उसे फूंक दो रात्रि में चयन कर दो मंगलवार को अभिषेक कर दो कोई दोष नहीं निषिद्ध काल में भी करने में दोष नहीं। इसे तो मृत्य राज्य ने काल से नियमो अत्र विधीयत है काल का नियम का विधान नहीं किया जाता है। नृपाभिषेक कर्तव्य उस नृप का राजा का राज्याभिषेक तुरंत कर देना चाहिए जिनके द्वारा दैवज्ञेन पुरोधसा ज्योतिषी पुरोहित के द्वारा दृढ़ निश्चय पूर्व संकल्प पूर्वक कर देना चाहिए। इसके बाद आगे देव प्रतिष्ठा का मुहूर्त उसको कल देखते हैं।